कुल चीज महंगा महंगा है एकदम टोटल। राम राम जी, आप कैसे हो? ठीक हो? हमें बहुत बढ़िया। सुबह सुबह नहा था रेडी हो गए और भाई को थोड़ा परेशान करने के लिए, नहीं वो पहले बोला था ना कि दीदी गाड़ी आएगा तो हम चलेंगे सट्टी और सस्ता सस्ता सब्जी लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे। अब गाड़ी आ गया तो जाता ही नहीं है, बोलते टाइम ही नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। बोले चलो एक से डेढ़ दो घंटा लग जाएगा लमसम, लेके आते हैं। तो ज़बरदस्ती आज परेशान करने का मौका मिला है। सुबह से चिल्ला रहा था लेकिन अभी हम जाएंगे सट्टी, लेकिन ना बहुत मतलब बहुत सारी नहीं, जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेके आनी है स्पेशल मम्मी के लिए। फटाफट वो लेते हैं बोरा और फिर चलते हैं। बोरा मेरे को नहीं वाला ये बोरा इतना बड़ा ना है पापा, इतना छोटा था। पापा तो कपड़े ही नहीं पहनते तो क्या ही दिखाए रेडी को अपने। हम साग ले लिए, पालक ले लिए, और कलेजा साग पालक अलग वाला, लौकी चुकंदर ये है बोरा भर के वाली है, पत्ता भर लिए को घेर के भर ठीक। ये नन्ही बुरी नहीं लगा था, मस्त सुबह सुबह निकल गए, मस्त वाला था और हल्का सा। एंट्री हो चुकी है हमारी सट्टी में राजा तलाव। सुबह सुबह इतना ही भीड़ हो गया नहीं ना, जलेबी दुकान में है ही नहीं भैया। चला भाई 30 उतना मीठा नहीं जलेबी खेबे खेबे हम ना खा, लेकिन तू खा लिया चला था। समझ नहीं आता, कुल चीज महंगा महंगा है एकदम टोटल। चलिए चलो आ गए घर सारा सामान लेके सिले के स्कूल। हम तो अभी मेरे का सिले घर पे होगी और सिले के स्कूल 10 बजे वाले 9:30 बजे स्कूल स्कूल इसे सिलरी के साया और भाई खा रहा है खाना और डैडी है अपने काम बिलम होता जाएगा धंधा पे। पापा कहा था बिलम, बिलम मतलब क्या वाला बिलम मतलब पीले ठोकर। अरे तेरी डैडी क्या करे था बैंका नहीं करा था आज का बनी हमारा का मालूम का बनी तेरे सब कुछ पता देख खाई वाली आई ना ठीक है करेंगा पहले का गाना कौन करेंगा के तरे तरे ना तने गा के सुना दे एक लाइन हमें नहीं मालूम एक गा दे बाबू 20 रुपए किलो है हां तो किलो ले किलो लौकी है हम चकुंदर हां और अच्छा झाड़ दे। और ये मुझे मिला साथ 40 रुपये का 2.5 किलो ये
हाँ तीन थे, तीन थे ना बच्ची। 40 कढ़ाई किलो है ना लौकी। इतना सारा मिर्चा लेके आए और दोस्त में तीन नींबू आओ। सारा चीज इस टाइम हाई लेवल है रेडी। रेडी आपको एक भी खाता नहीं हूँ ठीक, ये भी खाता नहीं हूँ ठीक। उसके बाद खाऊंगा। अच्छा डेडी खाली करेला खाएंगे, बाकी लौकी चार लोग खाएंगे। चार लोग बस। टोटल इतने सब्जी हैं हमारे घर पे। ये हमने कंडा लिया है चार दिन के। अब खाते खाना दाल चावल और यह चार नहीं खुनवा। टाइम हो रहा है तीन और सुनीता स्कूल से आई है। पता नहीं किसका हिम्मत हो गया, चाबी तोड़ दिया, साइकिल का सीट फाड़ दिया, न्यू साइकिल का। सर से बोला काहे नहीं बोला? ठीक है आज एक ये कर दिया, बाद में अगर साइकिल उठा ले गया तब सीट देखे चला। ये क्या फड़ला था पता नहीं। अभी 150 का नया सीट लगवाए थे, गिरा पड़ा था उसमें एकदम पूरा, ये बज गया था ऐसा हो गया था, इसीलिए साइकिल नहीं देते हम। लेकिन अब पता नहीं कौन है। चलेगा स्कूल चली, साफ साफ दिखाई दे रहा है किसी ने ब्लेड से काटा है, क्योंकि बिल्कुल एकदम क्लीन कटा है, बिल्कुल क्लीन। यहाँ से पत्ती लगाया हुआ है, यहाँ से ये देखिए पत्ती यहाँ से लगा हुआ है और सीधे यहाँ तक कटा है। पता नहीं कौन साइकिल का सीटा काट दिला। चाबी कहाँ हेरा गल? चाबी मेरे पास है, मतलब इसने बंद कर दिया, चाबी के पास रखते हैं और पता नहीं कैसे ही खोल दिया बिना चाबी का। वो तोड़ दिले ए टाइम स्कूल पे कोई हुई सर और होंगे स्कूल में जाबू देखेगी हम जाती मम्मी। इसलिए हम नई नई साइकिल बाद में नहीं स्टार्टिंग में नहीं दे रहे थे, कि बहुत सारे फिर कमेंट आ रहे थे कि नई साइकिल दे दो, देख लो आप इन्हें ज्वाइंट करा तो ये दिया हुआ तो फिर हाँ बच्चे काट ली का एक्स्ट्रा कटा लगी डबल काटने। इसीलिए हम साइकिल नहीं दे रहे थे। देखिए अब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे किसी ने को नई साइकिल दे दो स्कूल जाने के लिए। देख लो स्कूल भेज दिए, स्कूल में कुछ टाइम हुआ साइकिल का सीट फट गया और चाबी तोड़ ताड़ के एकदम साइकिल गिरा पड़ा, इसीलिए नहीं देते थे नई साइकिल। सोच रहे कि जाए कि नहीं जाए स्कूल पे, एक बार जाए कब पता वहाँ पर सी सी कैमरा लगा लो, मैंने देखी कि एक कारनामा के लिए आज 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 ये हाल किए हैं साइकिल का, कल कुछ और करें कुछ भी कर सकते हैं। पैसा अभी नया नया सीट लगवाया था 150 का सीट मिला था, अब तो फाड़ दिए, अब तो 150 मुझे फिर और लगाना पड़ेगा। कपड़ा चेंज कर चला क्या हम जा पक्का जा चला चलते हैं देखते हैं सर इनके क्या बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो बोलना चाहिए कि किसने ये करा है, क्योंकि आज ये करा है कल को टायर फाड़ देगा ब्लेड से, कुछ भी काट देगा। और मुझे कुछ दिन हुआ है, 350 रुपये लगा है मेरे साइकिल में। चले कल पता चलेगा सीसीटीवी कैमरे में, फिलहाल अभी तो प्रिंसिपल सर है ही नहीं। अरे तेरी बताओ इन लोग का भी टायर फाड़ देते हैं, पता नहीं कौन ही है इसके अंदर इतना। अब जो होगा वो कल होगा, क्योंकि कल आएंगे प्रिंसिपल सर, क्योंकि अभी तो मतलब कि वो चले गए थे ना, अब कल आएंगे, कल देखेंगे सीसी के कैमरे में, फिर उनको डांटेंगे कि आपने क्यों करा। शाम और वहाँ से आते ही ना मुझे सिलना था ब्लाउज, क्योंकि आ रहा है अब ना सारा त्यौहार आ रहा है, इसलिए ना तो सोचे कि अभी खाली है और सुबह सुबह चले गए थे सट्टी, फिर बीच में ऐसा कुछ काम, अभी जस्ट खाली हुए हैं, जस्ट अभी खाली नहीं हुआ, मतलब वहाँ से आना, फिर मैंने दो ब्लाउज काटा, फ़ोन चार्ज में लगा के ब्लाउज काटा, और ब्लाउज होने वाला है लगभग आधा बाकी है,
इतना गर्म लग रहा था ना कि मैंने सूट उतार कर टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि टी शर्ट ना एकदम पतला हो गया एकदम, इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है। और ये देखिए ये वाला ब्लाउज़ हो कि भी हम सिल रहे हैं, बाहें कुछ ऐसा है इसका, इसका बाजू कुछ ऐसा है, यहाँ पे फुगा फुगा और यहाँ पे नॉर्मल ऐसा है कुछ। कल प्रिंसिपल से बात कर लेना ठीक, अच्छे से पूछ कर लेना। मुझे 8-9 बजे तक सिलाई करना है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ब्लाउज रेडी करना है। बस ब्लाउज रेडी करेंगे और खाना खाएंगे, सो जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा सिलने में। फिर आज की वीडियो करते खत्म, वीडियो कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, ढेर सारे कर दीजिएगा और आखिर से हेल्थी रही उस ब्लॉग के साथ, हमारे साथ चलती रही जी। पानी नहीं पिया ना इसलिए आवाज़ साफ साफ नहीं आ रहा है। तो राम राम जी।